हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वेदर बहुत ही ठंडा कूल हो गया है और मैं भी जस्ट शावर लेकर के आई हूँ और चाय बना रही हूँ, नाश्ता और करेंगे ब्रेकफास्ट। वर्मा जी ऑफिस नहीं, वर्मा जी जिम गए हैं। और क्या, अभी आपको बाहर का पहले एक बार वेदर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बारिश जो है वो हो रही है। ओके गाइस, तो अभी मैंने आपको बारिश दिखाया कि कितनी ज़ोर बारिश हो रही है और आज सारा दिन बारिश का ही मौसम है। और यहाँ पे मैंने बुलाया है अपने हेयर जिनसे मैं कलर वगैरह कटिंग वगैरह करवाती हूँ उनको, और आज मैं सोच रही हूँ अपने बालों को अच्छे से हेयर कलर कटिंग करा लूँ, मतलब डिलीवरी से पहले एक बार हेयर कलर करा लेती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर बुलाया है भैया को। चलो स्टार्ट करते हैं। शॉफकॉफ एंड यूटिका, 3-4 शेड्स यूज हो रहे हैं। प्रॉब्लम होता अंदर से ना, देखना ठंडा ही नहीं हुआ अभी तक। ऐसा बहुत ठंडा है। अरे अच्छा, कई मेरे व्यूअर्स हैं जो बहुत टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप अपना हेयर कलर कराइए या हेयर कट कराइए, उसका व्लॉग कब डालेंगी। तो मैं यहाँ पे अपना जो है वो मेकओवर करा रही हूँ हेयर का, तो वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे भारती दीदी भी आ गई थी, सुबह का ही टाइम था तो सुबह ही वो अपना यहाँ पे काम कर रही थी, और मॉर्निंग में भैया आ गए थे तो काफ़ी बोल रहे थे वो टाइम लगेगा 2-3 घंटे, तो सुबह ही करा लेंगे तो सही रहेगा। अब इसके ऊपर सेकेंड एप्लीकेशन होगा, बट कलर तो आ गया है जितना मुझे चाहिए ना। अच्छा, बहुत हाई, बहुत ज़्यादा तो लाउड नहीं रहेगा। अब डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल भी ना लो, ठीक है। अच्छा ये 10-15 मिनट अभी बालों में रखना होगा और फिर इसको वॉश करना है, चेक करके फिर वॉश करेंगे। तो यहाँ पे पूरे बालों में मेरी जो स्ट्रीक्स डलवाया है मैंने, वो उन्होंने डाल दिया है, और अभी ये 10-15 मिनट बोले हैं रखने को, उसके बाद वॉश करने के लिए। अभी खोलेंगे ना, ये कलर सब इसी में स्मज कर देंगे। यस, तो अभी सिंगल सिंगल मैंने हाइलाइट्स निकाला तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा लाउड है, वो लाउड नहीं है। सेटल अप करूंगा मैं इसको। अब जो हमारे जो 30% हेयर मैंने छोड़े थे, अभी मैं उसमें कलर करने जा रहा हूँ, सिर्फ कलर वॉश। यस, तो हमारा हाइलाइट्स और हमारा खुद का जो 30% हमारा हेयर है वो थोड़ा मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा खुद का हेयर पूरा ब्लैक हो उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट हाइलाइट्स कर ले, बिकॉज हम लोगों ने ग्लोबल शेड्स नहीं किया है। अच्छा, तो अब उसके ऊपर कलर करेंगे तो हाइलाइट्स के ऊपर नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, ये ज्यादा लग रहा था, मुझे लगा कि ये कम लगेगा। अच्छा, बिकॉज हम लोग उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे ना, मुझे पता था वो सूट होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं सूट हो अच्छा लगे बस। अभी मैं जा रही हूँ अपना हेयर वॉश करने,
देखते हैं क्या आता है आपका। नहीं होगा उससे, क्योंकि वो उससे ऑर्डर ही नहीं हुआ है। कलर वाला अभी तो हेयर कट करना है ना। तो यहाँ पे मेरा जो हेयर कलर है वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे हेयर कट भी करवाना है, क्योंकि लास्ट जब मैंने अपना केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था तभी मैंने हेयर कट भी लिया था। अभी मुझे ऑलमोस्ट 8 महीने मुझे लगता है हो गए होंगे, करवा चौथ के पहले ही करवाया था मैंने, करवा चौथ के बाद सॉरी। और अभी बस मैं यहाँ पे इनसे हेयर कट करवा रही हूँ। और आप लोग बताइएगा आपको मेरा ये हेयर लुक, नया जो लुक है वो कैसा लग रहा है, हेयर कलर एंड हेयर कट पूरा। अभी थोड़ी देर में आपको मैं अपना फाइनल लुक दिखा दूँगी। तो बस यहाँ पे ये भैया जो हैं वो हेयर कट कर रहे हैं मेरा। और मुझे ना बाहर जाके करवाना थोड़ा अनकंफर्टेबल ही लगता है, टाइम लेके जाओ करवाओ, फिर बच्चे भी साथ में रहते हैं तो मुश्किल होती है। तो इसलिए घर बुला करके ही मैं करवा लेती हूँ, आराम से हो जाता है। जिन तक रख लो। नहीं मैं बड़ा थोड़ा छोटा कर बढ़ जाएगा आप काट दीजिए। नहीं नहीं फोटोशूट होना है तुम्हारा, ध्यान रखो। अभी तो 15 दिन है एटलीस्ट यहाँ तक। हाँ बस नोज। हाँ सो गाइज मेरा हेयर कलर जो है वो हो चुका है, कट भी हो गया है, हेयर कट भी मैंने करवा लिया। ज़्यादा नहीं करवाना था, सिर्फ नीचे से मुझे सेट करवाना था। एंड मुझे ना क्राउन एरिया का जो ये कलर है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, मतलब वाइटिश सा लग रहा है। सो मैंने बोला है भैया को, वो अभी थोड़ा सा काम से गए हैं, वो आएंगे कलर लेकर के और इसको थोड़ा सा टचअप करेंगे। थोड़ा सा मैं ना लाइट करवाऊँगी, ये देखिए ये मुझे कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, मतलब वाइटिश सा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, ये देखिए ऐसा बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे जो हेयर हैं वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं। एंड वो भैया जो हैं वो बस आने ही वाले हैं, वो आने ही वाले हैं तो थोड़ा सा टचअप करा लेती हूँ, बाकी आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे भैया आ चुके हैं दोबारा से शाम के टाइम पे, और अभी ये फिर से मेरा जो टचअप है वो करेंगे आगे क्राउन एरिया में। मेरे को ज़्यादा ही लाउड लग रहा था, बाकी आप बताइएगा कि पहले कैसा था और कराने के बाद भी मैं अभी आपको शो करती हूँ। तो कैसा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हेयर कलर लगाने के 10 मिनट तक रुकना था, तब तक यहाँ पे पीहू का भी हेयर कट होना था। तो मैंने सोचा चलो जब तक पीहू को बैठा देती हूँ टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, कराना था ही मुझे उसको बाहर ले जा करके, बट हो नहीं पाया था, स्कूल जाने से पहले ही कराना था। फिर बाद में इन्होंने इसका हेयर कट भी कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो हेयर कलर है वो भी हटाने का टाइम हो गया था। अब बस मुझे यहाँ पे जाकर के कंडीशनर वगैरह करना है और हो जाएगा कंप्लीट मेरा हेयर कट। तो यहाँ पे मेरा जो हेयर कलर है वो हो चुका है। चलिए आपको मैं अपना फ़ाइनल लुक जो है वो दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए गाइज़, ये है मेरा फ़ाइनल लुक। एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा, एंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ कल अच्छे व्लॉग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।